प्रयागराज के फूलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच दावेदारी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई मैदान में आई। प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर फेंकी कुर्सी, जमकर चले लात घूसे, वीडियो हो गया वायरल। टिकट की ताकत मैदान बना अखाड़ा, देखते रह गए नेता। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। दरअसल कांग्रेस की ओर से फूलपुर विधानसभा के सहसों में आयोजित संविधान सम्मान समारोह में कांग्रेस नेताओं और जनता को खुद का सिर बचाना भारी पड़ गया। दरअसल प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। अविनाश पांडे ने कहा कि यूपी में बुलडोजर और फर्जी एनकाउंटर से संविधान को कुचला जा रहा है। फिर क्या था, बात धूल पकड़ गई। यूपी में बुलडोजर राज और फर्जी एनकाउंटर के द्वारा संविधान कुचला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ऐसा कतई नहीं होने देगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में समानता और सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अधिकार दिया है, जिसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। फिर क्या था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इससे ज्यादा बढ़िया स्थान और कहां मिलने वाला था। इसके बाद शुरू हो गया दे दनादन, कुर्सी फेंकी, कार्यक्रम का स्थान मारपीट और संग्राम में बदल गया। ये बात रविवार के सहसों के लाला बाजार में आयोजित कांग्रेस के संविधान सम्मान समारोह में जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार माता बहनें सुरक्षित नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि देश में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्गों के भागीदार सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना करना बहुत जरूरी है, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूती बनाए, जिससे आने वाले फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय महासचिव राजेश तिवारी ने कहा कि फूलपुर उपचुनाव सहित प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद जो कार्यकर्ताओं में हुआ वो देखने लायक था। जब कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर रहे थे, तब मंच पर बैठे नेता तमाशा देख रहे थे। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना नाराज होकर मंच छोड़कर नीचे जाकर बैठ गई। जब ये हंगामा चल रहा था, तब मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे भी मौजूद थे। सम्मेलन में प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमण सिंह और अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहे थे। मंच के सामने हंगामा देखकर मंच पर बैठे कांग्रेस के नेता असहज महसूस कर रहे थे। दरअसल सहसों में आयोजित कांग्रेस के संविधान समारोह में भगदड़ मच गई। फूलपुर उपचुनाव के दावेदारों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव की इस सीट पर कांग्रेस ने दावेदारी ठोंकने के लिए कई दावेदार लगे हुए हैं। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के सामने दावेदारों के समर्थकों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लात घुसे और कुर्सियां चलने लगी। ये सभा स्थल देखते ही देखते अखाड़े में तब्दील हो गया, भगदड़ मच गई और तमाशा स्टेज पर बैठे नेता देखते रहे। लेकिन कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना मंच से उतरकर बीच बिचाव करने के लिए पहुंच गई। आराधना ने दोनों पक्षों को किसी तरह से शांत कराया। इसके बाद मामला शांत हुआ। जैसे ये आप जिसके समर्थन में आए हैं उसका नुकसान करने का काम करेंगे, ये जान लीजिए। आप गए जाइए, सबका बोल देख लिया, सबका कर दिया। मैं दोनों आप करिए, कर दिए।